हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम संपूर्ण भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसी क्रम में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की चर्चा होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे चैनल के सदस्य बन जाएंगे। भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक या पाषाण काल, आद्यतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिलती है। इसे पत्थरों, हड्डियों के औजारों और गुफा चित्रकारी के आधार पर इस समय का कालक्रम निश्चित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय है अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, और मध्य पाषाण काल का जो समय है 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। नवपाषाण काल का जो ईस्वी है वह 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब हम आद्यतिहासिक काल को देखेंगे। आद्यतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व है, वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। वैदिक सभ्यता का दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल को देखेंगे। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। अब प्राचीन भारत को देखते हैं। प्राचीन भारत का जो समय है वह 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या देखना है, महाजनपद काल या 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है, उसके बाद मगध साम्राज्य 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, उसके बाद है मौर्य साम्राज्य को 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व, उसके बाद है मौर्योत्तर काल या 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी, उसके बाद है गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी, उसके बाद हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, ठीक है। हर्षवर्धन के समय के बाद ही प्राचीन भारत का कालक्रम खत्म होता है और मध्यकालीन भारत का समय शुरू हो जाता है। मध्यकालीन भारत को दो भागों में बटा है, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकाल जो है वह 8वीं सदी से 12वीं सदी, इसको उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में देखते हैं। उत्तर मध्यकालीन को भी उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण में देखते हैं। तो जो पूर्व मध्यकाल का है वह उत्तर भारत में राजपूत को पाल, प्रतिहार, उसके बाद दक्कन में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट को पढ़ना है। फिर दक्षिण भारत, इसमें चेर, पांडे और चोल को पढ़ना है। अब उत्तर मध्यकाल का जो टाइम है उस समय 12वीं से 18वीं शताब्दी का है। इसमें उत्तर मध्यकाल में उत्तर भारत में देखेंगे दिल्ली सल्तनत, चौहान, मुगल, ठीक है। उसके बाद दक्कन में देखेंगे विजयनगर, बहमनी और दक्षिण भारत में चेर, यादव, वारंगल, द्वार समुद्र, ठीक है। दक्षिण भारत में चेर, यादव, वारंगल और द्वार समुद्र, ठीक है। तो उत्तर मध्यकालीन में देख लिए, उत्तर भारत में था दिल्ली सल्तनत, चौहान, मुगल, दक्कन में विजयनगर, बहमनी और दक्षिण में चेर, यादव, वारंगल, द्वार समुद्र, ठीक है। अब आधुनिक भारत को देखते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत का जो समय है वह 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, ठीक है। तो आधुनिक भारत में देखेंगे, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, इसमें बंगाल पर जो अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ था, इसी क्रम में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी सबसे महत्वपूर्ण, ठीक, इसके 100 साल के बाद हुआ था, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य में देखेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण, 1700 बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे कंपनी का गवर्नर जनरल, उसके बाद देखेंगे प्रमुख आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे,
इसी क्रम में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। 1885 भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को दो भागों में देखेंगे, 1885 से 1905 उदारवादी युग और 1905 के बाद क्रांतिकारी युग। ठीक है, अब कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन और संवैधानिक गतिविधि के साथ भारत का स्वतंत्रता जो मिली उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को देखे। ठीक है, धन्यवाद।